मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर में नाउन नंबर पढ़ना है। ठीक है, नाउन नंबर में आप लोगों का क्या आएगा, तो सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन होता क्या है, तो अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नन एज सिंगुलर नाउन। यानी कहने का क्या मतलब है कि वह नाउन जो सिर्फ एक सिंगल पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को और थिंग्स को डिनोट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नाउन। सिर्फ एक वस्तु को, एक जगह को, एक जानवर को, ओके, इन सब चीजों को डिनोट करने वाले सिर्फ एक, वो क्या कहलाता है, सिंगुलर नाउन कहलाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन समझ में आ गया, अब प्लूरल नाउन में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि वह नाउन जो एक से अधिक जगह, वस्तु या पर्सन को, यानी व्यक्ति को या कोई जानवर को डिनोट करता हो, यानी बताता हो, जिसके बारे में बताता हो, वो क्या कहलाता है, प्लूरल नाउन कहलाता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, समझाया गया है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल में सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, और सिंगुलर क्या कहता है, ओनली वन थिंग, प्लेस, पर्सन। ओके, तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर नाउन। तो मैंने एक पेन ले लिया, तो पेन इज अ सिंगुलर नाउन। अब पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो एक से अधिक, प्लूरल मींस व्हाट, एक से अधिक, तो यहाँ पे आ गया पेन्स। तो पेन्स क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक चॉकलेट लिया, ये एक चॉकलेट, ओके, ये है सी एच ए एल एक, तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका सिंगुलर, क्या हो गया, सिंगुलर। ओके, अगर मैं यहाँ पे दो ले लेता हूँ, दो चॉकलेट ले लेता हूँ, तीन ले लेता हूँ, ओके, यानी दो से ज्यादा लेता हूँ, दो लेता हूँ या दो से ज्यादा लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, सी एच ए एल के एस, चॉक्स, दैट इज, ये हो गया आपका प्लूरल। तो एक चीजों को डिनोट करने वाले, एक पर्सन को, प्लेस को, थिंग को डिनोट करने वाले सिंगुलर नाउन कहलाता है, और एक से अधिक पर्सन, प्लेस या एनिमल्स को डिनोट करने वाले प्लूरल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना में आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बता रहे हैं कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करते हैं, उसका आगे हम बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल। ओके, तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, तो उसको हम लोग जान लेते हैं, जिससे हम लोगों को आसानी होगी सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने में। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है, जनरली वी यूज एस और ई एस टू मेक प्लूरल। ओके, यानी कि जो हम लोग जनरली खासतौर पर ज्यादातर जो है, हम लोग प्लूरल में चेंज करने के लिए, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल बुक सिंगुलर है, तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एस का उपयोग कर लेते हैं, या फिर हम लोग ई एस का भी उपयोग कर लेते हैं। ओके, अब पेन है तो पेंस, तो ये क्या हो गया, जनरली हम लोग एस या ई एस का उपयोग करके हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन अ नाउन वर्ड एंड्स इन वाई एंड हैज अ कंसोनेंट बिफोर, वी रिप्लेस वाई विद आई एस। अगर कोई नाउन वर्ड है और वो खत्म होता है किससे, वाई से खत्म होता है, और वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, वाई को हटा के आई ई एस को ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, बी ए बी वाई, ओके, तो यहाँ पे लास्ट में वाई है और वाई के पहले क्या है, बी, दैट इज बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, वाई को हटा के आई ई एस को ऐड कर लेते हैं। तो बी ए बी आई ई एस, बेबीज। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपी, सी ओ बी वाई, लास्ट में वाई है और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या कर दिए, वाई को रिप्लेस कर दिए किससे, आई ई एस से, तो बी ए सी ओ पी आई ई एस। ओके, तो ऐसे करके हम लोग चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं थर्ड पॉइंट में, when a noun ends in y and has a vowel before it, we just add s after it. यानी कि अगर कोई noun खत्म होता है y से,
और वाई से पहले क्या आता है, वॉवेल आता है। मैंने पहले भी बताया था वाई से पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। यहाँ पे क्या है, वाई से पहले अगर वॉवेल आता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, उसमें डायरेक्ट एस को एड करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, वेन वी ए डबल एल ई वाई, तो लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है, y से पहले मेरा e है और e is a vowel, vowel आते हैं a e i o u, तो e is a vowel। तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया, वैली लिख के s लगा दिया। ओके, क्या कर दिया, s पुट कर दिया। तो वैली का वैली अब वे है w a y, तो y के पहले क्या है, vowel है, तो मैंने क्या किया, w a y s वेस कर दिया। ओके, यानी कि अगर लास्ट एंडिंग y से हो और y से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसको y को हटा के ies में चेंज कर देते हैं, और अगर वॉवेल लास्ट वर्ड y हो और y से पहले अगर वॉवेल आता हो तो हम क्या कर देते हैं, s को ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल में बदल देते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है वो जान लेते हैं। When a noun ends in f or fe, we replace f or fe with vs। यानी कि अगर कोई नाउन एफ या एफ ई से खत्म होता हो तो हम लोग क्या करते हैं, एफ और एफ ई को हटा के क्या कर देते हैं, हम लोग वी एस को ऐड कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है काल, सी ए एल एफ, सी ए एल एफ, यहाँ पे लास्ट में क्या है, एफ है, तो एफ को हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस करके और एड कर देंगे वी ई एस, तो सी ए एल वी ई एस काल। ओके, ऐसे चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और है यहाँ पे लीव, एल ई ए एफ, तो एफ है लास्ट में, तो एफ को हम लोग हटा के क्या करके वी ई एस को प्रयोग कर दिए, दैट इज इसमें वी ई एस ऐड कर दिए, तो लीव का लीव्स। ओके, तो ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर लेते हैं। ये फोर पॉइंट्स है, फिर मैं फोर पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 5 में आते हैं, कैसे सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं। पॉइंट 5 क्या कह रहा है, सम नाउंस डू नॉट चेंज इन देयर प्लूरल फॉर्म, यानी कि कुछ नाउंस जो होते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, जो सिंगुलर में लिखा जाता है वही वो प्लूरल में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया आपको डियर, डियर सिंगुलर में है तो प्लूरल में सेम वही लिखा जाएगा, क्या, डियर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिर कह रहा है सिप, तो सिप का भी क्या हो जाएगा, प्लूरल सिप ही हो जाएगा। तो कुछ नाउन जो होते हैं उनको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, जो सिंगुलर में होते हैं वही वो प्लूरल में दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं। पॉइंट 6 क्या कह रहा है, सम नाउंस आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल, यानी कुछ नाउन को हम लोग चेंज करते हैं कैसे, तो उसके उस वर्ड के अंदर में जो वॉवेल्स होते हैं उनको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं दूसरे वॉवेल से या दूसरे वर्ड से, तो वो क्या कहला जाते हैं, वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा गया है M A N man, तो यहाँ पे A जो है ये क्या है, vowel है, जो internal inside vowel है, और इस inside vowel को हम लोग क्या कर दिए, चेंज करके हम लोग क्या कर दिए, E का इस्तेमाल कर लिए। ओके, क्या कर लिए, E का इस्तेमाल कर लिए, तो क्या हो गया, man का plural men, M E N, यानी कि कुछ noun में क्या करते हैं, inside vowel को, inside vowel को हटा के और दूसरे को हम लोग दूसरे words को प्लेस कर देते हैं। सेवन नंबर क्या कह रहा है, सेवन नंबर कह रहा है सम नाउंस आर मेड प्लूरल, सम नाउंस आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ब्स, यानी कि कुछ नाउन को चेंज किया जाता है कैसे, तो कुछ नाउन को चेंज किया जाता है मेन वर्ब जो है के उनमें हम लोग एस का प्रयोग करके उसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये लिखा गया यहाँ पे सन्स इन लॉ, जो सन्स इन लॉ है वो दो तीन वर्ड से एक साथ मिल के बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जब भी आएंगे नाउन आपको उसमें मेन वर्ब ढूंढना है, तो सन्स जो होगा वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, तो मेन वर्ब सन्स होगा तो इसका जो प्लूरल हो जाएगा सन्स में, दैट इज सन्स में ही हम एस को, सन में ही हम एस को ऐड करके क्या बना देंगे, सन्स बना देंगे। तो मेन वर्ब में हम लोग ऐड कर दिए क्या, सन्स, और उसके बाद क्या लिखे, सन्स इन लॉ, हम लोग लास्ट में ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे मेन वर्ब में ऐड करेंगे। जैसे सन इन लॉ है तो सन्स, सन को सन्स बना दिए और जैसे कि तैसे बाकी जो है वो लिख दिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है एट नंबर पॉइंट, उसमें क्या कह रहा है, सिंगल लेटर्स और एब्रिविएशन आर मेड बाय एडिंग एस आफ्टर देम, यानी सिंगल लेटर्स जो हो गए ए बी सी डी या फिर
जो अल्फाबेट हो गए, ओके, जो नंबर हो गए जैसे 2, 3, 4, 5 ये सारे, ओके, तो इन सब में क्या करते हैं, इन सब को सिंगुलर को प्लूरल में बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, एस का इस्तेमाल करते हैं, एस को ऐड करके हम लोग क्या कर लेते हैं, उसे बना लेते हैं। या फिर जो एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन कहने का क्या मतलब है, एब्रीविएशन कहने का मतलब है अ शॉर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी कि एक छोटा वर्ड है, ओके, छोटा वर्ड है, फॉर्म है, यानी कि जैसे MLA है, इसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा, AIR है, उसका भी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा, ओके, तो उसको छोटा करके जो वर्ड वाला है वही क्या कहला जाता है, एब्रीविएशन का, ठीक है। एक बड़ा जो वर्ड है ऑल इंडिया रेडियो, इसको क्या कर दिया, AIR कर दिए, तो AIR हो गया, वो क्या हो गया, एब्रीविएशन कर दिया, ओके, यानी कि उसको शॉर्टेन कर दिया, छोटा कर दिया, तो जो एब्रीविएशन है उसमें भी हम लोग डायरेक्ट एस को ऐड करके बना देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया MLA, तो MLA को हम लोग क्या कर देंगे, प्लूरल में चेंज करने के लिए डायरेक्ट लास्ट में एस को ऐड करके उसको प्लूरल में चेंज कर देंगे। फिर आपका जैसे मैंने आपको बताया नंबर, तो नंबर में जैसे 25 है, 2 है, 5 है, 10 है, कुछ भी ले लेते हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसमें लास्ट में एस को ऐड करके प्लूरल में चेंज कर लेते हैं। जैसे 25 है तो 25, 2 है तो 2, ओके, तो ऐसे करके हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये टोटल हम लोगों के हो गए 8 पॉइंट्स। यही 8 पॉइंट्स आपको क्या कर लेना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, याद कर लेना, ताकि क्या हो, आप सिंगुलर टू प्लूरल अच्छे से चेंज कर पाए। और आप लोगों को क्या करना है, इससे जितने भी रिलेटेड एक्सरसाइज है उसको अच्छे से बना लेना है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना है। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।